टीवी में कुछ भी देख नहीं सकती। वर्षा टीवी बंद करो, बारिश हो रही है। हो, यह रेडियो बातें करता है। तुमसे जो कहा वह करो। हाँ वर्षा, इस टीवी के बारे में एक कहानी है। वह कहानी तुम्हारे दादाजी से जुड़ी हुई है। क्या तुम कहानी सुनने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ठीक है। ये गोबू किधर है? मुझे पता नहीं। ये भगवान। हाय दोस्तों, मैं इधर हूँ। इधर आओ गोबू। हाँ मेरा दोस्त। इधर आओ गोबू। हाँ ये क्या है गोबू? हाँ ये ले तेरे प्यारे मकोड़ा, अब खा इसकी कसम। कैसे खानी है? अरे जैसे मास्टर जी बुलवाते हैं, बोल। मैं कसम खाती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे और चुपके से टीवी देखकर आएंगे। और चुपके से टीवी देखकर आएंगे और यह बात किसी को नहीं बताएंगे, माम को भी नहीं। माम को कैसे बताएंगे? माम तो सो रही है। हाँ माम तो सो रही है। अब मकोड़ा रह दे तो फिर चलो। तुम्हारे दादाजी और उसके दो मित्र बहुत कठिनाई से पहाड़ चढ़कर उसके ऊपर पहुंचे। देखा, यही वो टावर है जिससे टीवी आता है। आता कहाँ है? आता होता तो हम दूसरे गांव क्यों जाते? चुन्नी, यह लल्लू एकदम लल्लू है ना। बाबा ने बताया था ना कि इसी टावर से दूसरे गांव में टीवी आता है, और क्योंकि हमारे गांव पहाड़ के इस तरफ है, हमारे में नहीं आता है। हाँ मेरे बापू ने तो बक्सा और एंटीना फी खरीद लिया था। हमने एंटीना को तब तरफ घुमाया पर टीवी पकड़ा ही नहीं। टीवी तो जादू है, ऐसा तोड़ा ही पकड़ेगा। क्या चीज है टीवी? और यह है चंगिया साम्राज्य की आगे आगे बिहू नृत्य करती महिलाएं। बाबा यह आवाज कहाँ से आ रही है? यह भी टीवी से ही आ रही है गोबूलाल। जादू है ना, जादू था सचमुच। चले अब सड़क पर करनी है। अब देख के चलो। तुम लोग सच में छोटे बच्चे हो, सड़क पार करना भी नहीं माता। जल्दी चलो, अब देख हो रही है। तुमने कहा था जल्दी पहुंचेंगे, शाम तक वापस आएंगे। बस आने वाला ही मनोहर चाचा के घर। कब से कह रहे हो आने वाला है? अरे ये लल्लू कहाँ रह गया? और तू रो मत, अब टीवी देखना है ना, उसमें पता है लोग बक्से के अंदर बिंद होते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, तेरे मकोड़ों की तरह है गोबू। ये लल्लू जल्दी आओ ना। अंत में वे मनोहर चाचा के घर के निकट आए। बस यही गली है, इसी में है मनोहर चाचा। तो चले।
लेकिन याद करने दो, कौन सा घर है? पर कैसे? अरे उस घर के ऊपर टीवी का डंडा गला हुआ है एंटीना, पर यहां तो सबके छत पर लगा है टीवी वाला डंडा। अब क्या करेंगे? पता नहीं, मनोहर चाचा ने बताया था उनके घर ही टीवी है, पर यहां तो सबके घर है। अब हम वापस चले, नहीं अंधेरा हो रहा है, हम खो गए। बच्चे मनोहर चाचा का घर न पहचान कर रोने लगे, वहां बड़ी भीड़ जमा हो गई। कहते हैं मनोहर चाचा से मिलने आए हैं कीरतपुर से। प्यारे बच्चों, इस समय यहां क्यों आए? आप चुप हो जाओ, डरो मत। क्या नाम है तुम्हारा? लल्लू। मुझे घर जाना है। अंत में मनोहर चाचा वहां आया। अरे गोपू, तुम अकेले कैसे आ गए? टीवी देखना था हम तीनों को, और उन्हें घर ले गया। गोपू सैतन है, एक सबकी पता है, पर इतना सैतन हमने सोचा नहीं था। और पूरा रास्ता याद था इसे। चलो भाई, अब टीवी चलाया जाए, इतनी दूर से आए हैं तीन दीवाने। और मद्रास का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री। ये भगवान। तीन छोटे बच्चे बहुत दूर कीरतपुर से टीवी देखने आए थे, लेकिन अंत में जब वे टीवी देखने बैठे तब बिजली चली गई।